डॉल म्यूजियम, भैंस को लेके खड़े हुए हैं, दूध निकालने का भी टाइम हुआ नहीं है तो इसलिए हम अंदर चलते हैं। अभी बहुत अंधेरा पर अच्छा लग रहा है, और वीडियो में कैसा आएगा ये पता नहीं है। ये भाई साहब ऊंट को लेके खड़े हुए हैं, यहाँ पे शायद राजस्थान से आए हैं ये। पंचायत हो रही है, राजस्थान की पंचायत लगी है भाई, ये हमारे हरियाणा की है। हेलो ये जो ड्रेसेस देख रहे हैं हम, ये हमारे जो पुराने बुजुर्ग होते थे ऐसे ही कपड़े डालते थे, यही वेशभूषा हमारे हरियाणा और राजस्थान की। ये देखिए पंचायत में सरपंच साहब बैठे हुए हैं, हुक्का बड़ा इनके सामने। और ये चल रहा है प्रौढ़ शिक्षा का केंद्र, यहाँ पे ये प्रौढ़ शिक्षा के की क्लास चल रही है। ये तख्तियां भी हैं यहाँ पे, ये जो हमारे जमाने में होती थी तख्तियां, छोटी क्लासेस की, ये वो तख्तियों पे चल रही है प्रौढ़ शिक्षा। मास्टर जी बहुत खतरनाक है, गुस्से में लग रहे हैं, यहाँ से जल्दी चलो। ये नई नई दुल्हन बैठी हुई है घूंघट निकाल के, एक पुराने समय का घर है, ये घर के अंदर खड़े हैं कोई भाई साहब, और ये चरखा कात रही है, चरखा पड़ा हुआ है, ये सूत बनाएंगी और ये आटा पीस रही है चक्की पे, ये पत्थर की चक्की है मगर ये इसके ऊपर कपड़ा डाला हुआ। ये है चरखा जिससे गांधी जी काटते थे सूत। ये कुएं से पानी भरने आए हैं लोग, बहुत सुंदर कुआं। ये उस समय का सीन है जब नल नहीं थे भारत में, गांव में भी नल नहीं थे, तो गांव में भी नल आ गए हैं, पहले ऐसे कुएं से भरते थे लोग। बहुत ही सुंदर बनाया गया ये, जिन बच्चों ने जिन लोगों ने पुराना समय नहीं देखा वो ये वीडियो देखेंगे तो देखना इसको ध्यान से। ये घड़े में पानी भर के लेके जाएंगे, और ये एक बारात आई है यहाँ पे, उसका सीन है। ये उस समय के वाद्य यंत्र,
इनके हाथों में है। बहुत सुंदर कारीगरी है। और ये दूल्हा पीछे बैठा है घोड़ी पे। ये पीछे बारात है। ओ डोली भी आ रही है भाई। ये डोली में दुल्हन को लेके आए हैं। ये तो पूरी बारात आ रही है भाई। ये दूल्हा साहब है। ये बारात शादी करने के बाद वापस जा रही है। और ये बाराती हैं, इनकी भाभियाँ हैं। और ये है कहार जो कि ये डोली को उठा के लेके जा रहे हैं। ये बच्चे आए हैं इस बारात में शामिल होने के लिए। ये मम्मी पापा, ये कितना क्यूट बच्चा है भाई। अनिल्स नेचर बुक यूट्यूब पे चेक करना, ठीक है। चलो ये बारात तो हमने देख ली, अब चलते हैं यहाँ से। ये दुल्हन बैठी है, बड़ी उदास लग रही है, अंदर से खुश होगी। हर सर बहुत ही सुंदर, बहुत लंबी बारात है। ये तो लग रहा सारा गांव आया। ओहो बहुत सुंदर सुंदर गहने पहने हैं इन्होंने तो। अब आगे आ गए हम थोड़ा गांव में, जंगल में। यहाँ पे ऋषि बैठे हुए हैं, ऋषि जी और उनके चेले हैं उनके साथ। ज्ञान लेने के लिए आए ऋषि जी। और इधर खेती बाड़ी भी हो रही है भाई। ये बैल है और हल से खेती हो रही है। पुराना समय जीवित कर दिया इस रॉक गार्डन में। सामने से दिखाते हैं आपको बैल। ये हल है पुराने समय का। और ये भाई साहब बैलों को गाइड कर रहे हैं। ये नीचे देखिए हल। बहुत ही सुंदर दृश्य है। ये गांव के अंदर आ गए हैं अब। यहाँ लोग अपने अपने घरों के सामने बैठे हुए हैं। कुछ लोग कुछ थकावट दूर कर रहे हैं, अपनी कसी लेके बैठे हैं भाई साहब। ये एरिया खेतों का ही है। ये इनके हस्बैंड इनके डर के मारे इनके पीछे बैठे हुए हैं, डर रहे हैं क्योंकि मैडम जी प्रधान है लग रहा है इस घर की। और ये इनका छोटा सा घोड़ा है। और भाई साहब पीछे बैठे हैं, देख रहे हैं चुपके। तो ठीक है, वो गांव से निकलते हैं बाहर। सबको बाय बाय। वाह, ये आ गए हम अपनी दुनिया में वापस फिर से। ये बच्चे कर रहे हैं एंजॉय। ये झूले पहले हमें अपने घरों के पास दिखाई देते थे पेड़ों के ऊपर, पर अब ये एक गार्डन के अंदर है जिसका नाम है रॉक गार्डन। ओहो वाह, बच्चे बड़े सब अपने बचपन को जी रहे हैं, बड़े भी अपने बचपन को जी रहे हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा है सबको देख के। बहुत ही बहुत सुंदर दृश्य है ये। जो चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रही हैं हमें रॉक गार्डन में आने के बाद। ये चंडीगढ़ में है रॉक गार्डन। आप लोग भी कभी यहाँ पे आए घूमने के लिए। बहुत सुंदर जगह है, बहुत ही प्यारी, जो कि हमारे शहरों से बिल्कुल हटके है।
बचपन याद आया। ओह वाह, अब दोस्तों हम आ गए हैं बाहर और लग रहा है ये एग्जिट है इसका। ये देखो भाई, रॉक गार्डन के अंदर ये लाइव चीजें भी हैं, कितनी सुंदर है। वाओ, बहुत छोटी छोटी मछलियाँ, क्या खूबसूरत है। ये हर एक्वेरियम में अलग टाइप की फिशेज आई हैं, क्यूट क्यूट। बहुत ही सुंदर, एक और नई चीज है। दोस्तों मौसम बहुत सुहावना हो गया और ज़्यादा बारिश आ गई है, क्योंकि बारिश ने मौसम को बहुत सुंदर बना दिया। रॉक गार्डन देखा, बहुत ही मजा आया, खाने पीने जा रहे हैं और अब थोड़ी रिफ्रेशमेंट लेंगे और उसके बाद सब जाएंगे घर। और आप सब ने करना है सब्सक्राइब चैनल को, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है दोस्तों के साथ। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक्स श्री नेकचंद जी का, जिन्होंने इतना सुंदर रॉक गार्डन बनाया। Thank you.